हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसान तरीके से काठियावाड़ी ढाबा स्टाइल स्पाइसी भरवा परवल की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो यही तरीके से बार बार बनाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं काठियावाड़ी ढाबा स्टाइल भरवा परवल की सब्जी। परवल में भरने के लिए ड्राई मसाला बनाएंगे। 3 टेबलस्पून मूंगफली ली है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। मूंगफली को थोड़ा भून लेते हैं। मूंगफली को मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर लेंगे। 8 से 9 काजू, 3 टेबलस्पून तिल सेसमे सीड्स, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, इसे हम तोड़ के डाल देंगे, 4 लौंग, 1 छोटा चक्रीफुल स्टार एनिस। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे भूनेंगे। तेल चटकने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। 2 टेबलस्पून सूखा नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, गैस ऑफ कर देंगे। नारियल का बुरादा तुरंत ही एकदम लाल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए पैन में ही इसे चलाते रहेंगे। नारियल का बुरादा भी अच्छे से भून गया है, इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं। बाद में मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। मिक्सर जार में पल्स बटन दबा के इसे ग्राइंड करना है और बारीक पाउडर बनाना है। 2 कश्मीरी लाल मिर्ची का बीज निकाल के लिया है, इसे भी कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची भी ले सकते हैं, पर उसका बीज पूरा निकाल देना है। मिर्ची को ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए तब तक ही हमें इसे भूनना है। मिर्ची जलनी नहीं चाहिए, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। निकाल लेते हैं इसे भी, डिश में ही निकाल लेंगे। 300 ग्राम परवल लिया है, इसे पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी हम इसका छिलका निकाल लेते हैं। दोनों साइड से ये डंठल का भाग निकाल देंगे। पीलर से थोड़ा थोड़ा इसका छिलका निकालेंगे। इसका हम पूरा छिलका निकाल देंगे तो ये कुक होने के बाद एकदम से ही सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा रखेंगे छिलका तो ये साबुत दिखेगा। जो छिलका हमने रखा है इसे मैंने ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर दिया है। इस तरह से परवल को छील लेते हैं। परवल को एक बार अच्छे से पानी से धो लिया और इसे कपड़े से पोंछ लिया है। अंदर एक कट लगा लेते हैं इस तरह से। ज़्यादा मोटे बीज है तो इसे निकाल देंगे और कौला बीज है तो हम अंदर ही रखेंगे। इस तरह से अगर कौला बीज है तो हम अंदर ही रखेंगे, इसे नहीं निकालेंगे। मिक्सर जार में ये मिर्ची डाल देंगे और इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। मिर्ची को थोड़ा ग्राइंड कर दिया है, अभी ये सब चीज़ें डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। पल्स बटन दबा के ग्राइंड करेंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे। इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना दिया है, एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डालेंगे। लहसुन आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। मसाला इस तरह से बाइंड होना चाहिए। परवल में मसाला भर लेते हैं इस तरह से। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे, मिर्ची जल्दी नहीं चाहिए, इसे हमें एकदम लाइटली भूनना है। परवल अंदर डाल देंगे। मिक्सर जार में मसाला बनाया था, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के ले लिया है। ये थोड़ा सा डालेंगे, 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे।
मिर्ची पाउडर जले नहीं इसके लिए हमने अंदर थोड़ा पानी डाला है। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से एक डिश रखेंगे, ऊपर आधा कप पानी डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। डिश में पानी डालने से परवल एकदम धीमी आंच पे अच्छे से कुक होगा। 5 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। मसाला बाकी बचा है ये ऊपर डाल देंगे। पूरा मसाला हम ऊपर डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। डिश के ऊपर पानी रखा था ये डाल देंगे, ऊपर डिश रख देंगे और आधा कप पानी ऊपर डाल देंगे। ये पानी गर्म होगा तो यही पानी हम सब्जी में डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक किया है, चला लेंगे एक बार। डिश में हमने पानी रखा था ये गर्म पानी ऊपर डाल देंगे। इस तरह से कढ़ाई में हम परवल को कुक करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नाइफ डाल के देख लेते हैं परवल कुक हुआ है कि नहीं। ऐसे कुक हो गया है लेकिन थोड़ी सी कचास है परवल में, तो इसे धीमी आंच पे 3-4 मिनट के लिए रखेंगे ढक्कन लगा के। बीच में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे मैंने 4 मिनट के लिए कुक किया है धीमी आंच पे। मैं थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहती हूँ, इसके लिए मैं ये डिश का पानी डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, 1 नींबू का रस डाल देंगे, 2 टीस्पून जितना नींबू का रस डालना है। चीनी मेल्ट हो जाए तब तक इसे ढक्कन लगा के कुक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट सब्जी को कुक किया है धीमी आंच पे। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एकदम थोड़ा डालना है। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैं 1/4 टीस्पून जितना डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट कर लेना फिर बाद में डालना। एकदम हल्के हाथ से चलाएंगे। परवल कुक हो गया है तो ये टूट जाएगा। नाइफ डाल के देख लेंगे, परवल एकदम अच्छे से कुक हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे। एकदम नए तरीके से भरवा परवल की सब्जी रेडी है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खिचड़ी के साथ में भी बहुत टेस्टी लगेगी। ढक्कन लगा के इसे 4 से 5 मिनट रखेंगे फिर बाद में इसे सर्व करना है। 5 मिनट के बाद सब्जी का कलर मैं आपको दिखाती हूँ। कितना सुंदर कलर दिख रहा है सब्जी का। काठियावाड़ी ढाबा स्टाइल स्पाइसी भरवा परवल की सब्जी रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।